पटवारियों के बाद अब मंडी कर्मचारी अधिकारी कामकाज बंद कर हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल के चलते कर्मचारी मंडी परिसर स्थित टीन शेड में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्यालय पर धरना दे रहे मंडी सचिव लक्ष्मण सिंह ठाकुर, राजेश वर्मा सहित अन्य कर्मचारियों ने बताया कि समस्त मंडी समिति सेवा के अमले का मंडी बोर्ड सेवा के विलियन किए जाने की मंडी बोर्ड स्वर्ण जयंती महोत्सव कार्यक्रम में भोपाल में मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा दिनांक 4 अगस्त को की गई थी, लेकिन विभाग ने अभी तक मांग पूरी नहीं की, जिसकी वजह से कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। मांगे मनवाने के लिए बार बार शासन से संपर्क किया जाने के बाद भी कोई निर्णय नहीं लिया गया, जिसके संयुक्त संघर्ष मोर्चा मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड भोपाल के आह्वान पर हड़ताल का रुख अख्तियार करना पड़ा। जिले में करीब 300 कर्मचारी हड़ताल पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। पिछले महीने माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा घोषणा की गई थी हमारे स्वर्ण जयंती समारोह कार्यक्रम में आकर कि हम लोग मंडी समिति और मंडी बोर्ड दो अलग अलग वर्ग हैं, उनको हम एक वर्ग बनाकर आप लोगों की मांग को मान करके हम लोग आदेश जारी कर देंगे। परंतु शासन के द्वारा अभी एक माह हो गया है, लगभग एक डेढ़ माह पहले हमारी स्वर्ण जयंती कार्यक्रम के पश्चात भी आदेश जारी नहीं हुआ है। इसके लिए हम पूरे जिले की सभी मंडियां, 8 मंडियां हैं हमारे पूरे जिले में, और संयुक्त मोर्चा भोपाल का हमारा संयुक्त मोर्चा संघ है, उनके आह्वान पर अनिश्चित काल के लिए हम लोगों ने हड़ताल जारी करी है। आज से अनिश्चित काल के लिए हम लोग हड़ताल करेंगे। लक्ष्मण सिंह ठाकुर, मंडी सचिव, खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।